केंद्रीय वित्त व कोऑपरेटिव अफेयर्स राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घेड़ मानगढ़ में पहुंचने पर स्थानीय लोगों व स्कूल प्रशासन द्वारा भव्य स्वागत किया गया। अनुराग ठाकुर ने घेड़ मानगढ़ के सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। उसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुनिया भर में पाकिस्तान के लिए एक कड़ा संदेश गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है और दुनिया भर के देशों ने पाकिस्तान को कहा है कि पाकिस्तान को इस पर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। आतंकवाद पर कार्यवाही करने की बजाय पाकिस्तान में आतंकवाद और पनपता है। पाकिस्तान की जनता इसके लिए विरोध कर रही है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है। पाकिस्तान को यह सोचना चाहिए कि गरीबों का भला कैसे हो, आतंकवाद का अंत कैसे हो तथा देशों के बीच संबंध कैसे स्थापित किए जाए। कांग्रेस नेता दिग्विजय ने कहा कि 2.5 लाख करोड़ केंद्र सरकार ने उद्योगपतियों का माफ कर दिया। इस पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिग्विजय ने सच कब कहा। इन्वेस्टर मीट के बारे में उन्होंने कहा कि यह एक अच्छा फैसला है। इन्वेस्टर मीट के माध्यम से नया निवेश आएगा, उद्योगपति कागज साइन करके जाएंगे, नया निवेश यहां रखेंगे। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका 100% पैसा हिमाचल में निवेश हो। उसके लिए जो भी हमें करना पड़े हमें करना चाहिए ताकि हिमाचल के लोगों को रोजगार मिले। देहरा के सीयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में अनुराग ठाकुर ने कहा कि जीपीआर बन गई है, इसमें जो सुधार करने थे वह भी किए जा चुके हैं और जैसे ही इसका पैसा आता है टेंडर बनाकर शीघ्र ही यूनिवर्सिटी का काम शुरू किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि स्कूल में सम्मानित किया गया तथा स्कूली बच्चों द्वारा कल्चर प्रोग्राम भी किया गया। उसके बाद अनुराग ठाकुर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घेड़ मानगढ़ के कार्यक्रम के बाद यहां से मानगढ़ बाजार तथा पैदल यात्रा की और इसके बाद ढलियारा के लिए रवाना हुए। ले तो आप ये बताइए कि आजकल भारत और पाकिस्तान के बीच जो तलखी चली हुई है, इसमें केंद्र सरकार के रुख के बारे में बताए। मुझे लगता है दुनिया भर में एक संदेश कड़ा गया है कि पाकिस्तान से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है और दुनिया भर के देशों ने आकर कहा है कि पाकिस्तान को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय वहां से उल्टा आतंकवाद और बढ़ता है, पनपता है और ये हताशा निराशा जो पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है, जनता विद्रोह कर रही है, आर्थिक परिस्थिति पाकिस्तान की पहले से खराब हो रही है। निश्चित तौर पर ये केवल दिखावा करने का प्रयास वहाँ का नेतृत्व करता है। उल्टा पाकिस्तान के नेताओं को ये सोचना चाहिए कि वहाँ के गरीबों का भला कैसे हो, आतंकवाद जड़ से कैसे मिटाया जा सके, आपसी संबंध अच्छे कैसे हो। ऐसा करने की बजाय वो अगर दूसरा रास्ता अपनाते हैं तो पाकिस्तान को भली भांति जाना चाहिए पूर्व में उसके साथ क्या हो। तो कांग्रेस मांग कर रही है कि क्या देश के सांसदों का वहां पे जाएगा, प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे क्या? मुझे लगता है कांग्रेस को ये मांग करने से पहले भी देखना चाहिए गुलाम नबी आजाद जी जो उनके नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा के हैं वो वहां पर जाकर आए, उसी राज्य से हैं। कोई भी जाए वहां पर तो खुले तौर में कोई भी जा सकता है, क्यों नहीं जाते। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2.5 लाख करोड़ केंद्र सरकार ने उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया है और बहुत सारी बेरोजगारी छा गई है। दिग्विजय सिंह जी ने सच कब बोला जिंदगी में बताइए। सर इन्वेस्टर मीट पे आप क्या बोलते हैं जो प्रदेश में होने जा रही है धर्मशाला में? बहुत अच्छा कदम है इन्वेस्टर मीट के माध्यम से नया निवेश आए, जो उद्योगपति यहाँ आकर कागज साइन करके जाएंगे निवेश करने के लिए अपने बात रखेंगे, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका 100% पैसा हिमाचल प्रदेश में निवेश हो और उसके लिए जो भी करना पड़े वो हमें करना चाहिए ताकि हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर मिल पाए। सर फिर से वही केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा जो है बार बार उठ रहा है कि आप यहाँ पिछले महीने बोल के गए थे कि इस महीने में कुछ आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, तो अभी तो बोले DPR भी पोस्टपोन्ड होगी। DPR बन गई है, किसने कहा पोस्टपोन्ड? DPR बन गई है और उसमें जो सुधार करने थे वो भी हो गए हैं और DPR उन्होंने डिपार्टमेंट को भेज दी। सर कब तक ऐसा होगी शुरू हो जाएगा जी केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण जो है? जैसे ही उसका पैसा आता है उसके बाद टेंडर प्रोसेस होकर उसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। थैंक यू जी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।